बहुजन समाज के युवा जो है वो काफ़ी संख्या में सोशल एक्टिविज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां, चूंकि खासकर जो बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां हैं वो मठाधीशी बन गई है, वो एससी से नहीं निकलते हैं, नए युवाओं को मौका भी नहीं मिलता है, लेकिन बहुजन समाज के जो युवा हैं वो लगातार जो हैं वो रेसिस्ट कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, और उसका नतीजा भी वो भुगत रहे हैं कि उनको गोलियां, यूपी में तमाम जगह हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं हो रही है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन वहाँ अभी हत्याओं का दौर नहीं है क्योंकि इस तरह के हालात नहीं हैं, लेकिन वहाँ जो जिस तरह से SC ST एक्ट आया था, और चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, SC ST एक्ट का मामला हो, इन तमाम आंदोलनों में जो है वो समाज, जो सामाजिक संगठन है उसकी बहुत भूमिका रही है, उसके बाद लीडरशिप ने उस पर चुप्पी तोड़ी है। मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं, लोकेंद्र गुर्जर, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है उसकी एकता का मंच, एक संस्थान चलाते हैं और लगातार मध्य प्रदेश में SC ST OBC माइनॉरिटी के इश्यूज पर काम कर रहे हैं। लोकेंद्र, नेशनल दस्तक पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए, क्या संगठन का नाम बताइए और क्या आप लोग का काम कहाँ तक आगे बढ़ा है ये बताइए पहले। मेरा नाम लोकेंद्र गुर्जर है, मैं मध्य प्रदेश में OBC SC ST एकता मंच चलाता हूँ। विगत कई वर्षों से हम OBC SC ST और माइनॉरिटी में एक एकता लाने की एक प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में जो 85% जो बहुजन समाज है, जो इतना बड़ा इस देश का मूल निवासी समाज है, उसको एक मंच पर लाके और उनको जो उनका हक अधिकार उसको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से आपने देखा हो, 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसके बाद से जिस तरीके से इन्होंने OBC को साथ लेने की कोशिश की थी, मैंने उसका विरोध किया था, और पूरे समाज को OBC को इस चीज़ समझ में आई कि नहीं, लोकेंद्र और ये जो भी सामाजिक संगठन है वो अपनी जगह सही है, तो OBC ने तुरंत जो सामान्य का जो भारत बंद था उसका विरोध कर दिया था कि नहीं, हम SC ST के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद से जब मध्य प्रदेश में फिर एक नई राजनीतिक दौर शुरू हो गई, वो थी OBC SC ST का, फिर हमने OBC के लिए 27% आरक्षण की मांग करी, तो उसमें पूरे मध्य प्रदेश के OBC SC ST और सभी माइनॉरिटी ने एक मंच पर आके 23 सितंबर को भोपाल में 1 लाख लोग की एक रैली करी थी। उसमें ये तय किया था कि सबसे पहले OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा, नहीं तो कोई भी सरकार जो आएगी वो हमारे बिना नहीं आ पाएगी। इस डर के मारे कांग्रेस ने हमारे इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में रखा, और जब वो सरकार उनकी बनी तो उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की। हालांकि अभी हमको 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं मिला है, क्योंकि एक हाथ से हमको दिया और दूसरे हाथ से उन्होंने छीन भी लिया। ये कलाकारियाँ रहती हैं पार्टियों की। हमको जैसे ही अभी लोकसभा चुनाव आने वाले थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण देंगे, और वो अध्यादेश भी लेके आए, लेकिन जैसे अध्यादेश लागू हुआ और जो अभी हमारे यहाँ मेडिकल के जो कुछ एग्जाम थे, कॉलेजों के जो एडमिशन होते हैं उसमें हमको 27% मिलने वाला था, लेकिन हमारे एक तथाकथित व्यक्ति ने, जो हमारे आरक्षण विरोधी लोग हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में इसका एक अपना कि 27% OBC को आरक्षण ना मिले, इसको लेकर एक रिट पिटीशन लगा दी, और जो कांग्रेस के वकील थे उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पर अच्छे से नहीं रखा, तो हमको उस जो मेडिकल एजुकेशन में हमको स्टे मिल गया। हालांकि 17 तारीख को अभी जो कोर्ट खुलने वाले हैं तो उसके बाद दोबारा सुनवाई होने वाली है। फिर से हमने सरकार पर दबाव बनाया है, तो अभी उन्होंने उसमें कैबिनेट में पास किया हुआ है, अभी बजट सत्र आने वाला है, तो हमारा ये दबाव है OBC SC और ST जो मध्य प्रदेश के जो सोशल वर्कर है उन सबका ये दबाव है कि इस विधानसभा सत्र में सबसे पहले विधानसभा में बिल को पारित करो और दिल्ली भेजो। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण भी 27% लागू नहीं है? नहीं है, अभी उन्होंने 1-2 महीने पहले तो घोषणा करी है, जबकि 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, 20 साल से। बिल्कुल 20 साल से, 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, और उसके पहले कांग्रेस भी, उससे पहले कांग्रेस की थी, लेकिन जिस तरीके से जो हमारे OBC के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते थे कि मैं दलित पिछड़ा गरीब किसानों का बेटा हूं, लेकिन उनसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार पूछा कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करना उचित होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने उसको जवाब देना प्रस्तुत नहीं किया। तो हम ये जानते हैं ये बीजेपी की पॉलिटिक्स, सिर्फ हमको OBC को सिर्फ नाम के लिए यूज करती है, लेकिन OBC को करने कुछ नहीं देना चाहते। अपने नेताओं को क्या कहेंगे जो बहुजन आंदोलन के नेता हैं, और आप लोग पूरे आंदोलन को अब किस तरफ ले जा रहे हैं? आरक्षण तो लगभग खत्म जैसे हालात हैं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म भरेंगे तो 360 रुपये OBC को देना है, और माफी 750 रुपये OBC को देना है, और जो गरीब सवर्ण का जो आरक्षण मिला है जनरल वाले को, उनको SC ST के साथ रखा गया, तो इस पर OBC के लोगों में कितनी जागरूकता है, खासकर जो गुर्जर समाज से हैं, जाट समाज से हैं, इन लोगों में कितनी जागरूकता है? इस चीज़ को उनमें जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको हम समझा रहे हैं कि आप जब तक अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे, जो आपका संवैधानिक अधिकार है,
उसको आप नहीं लोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप इधर उधर इन पार्टियों के या इन नेताओं के या इन मंदिरों के चक्कर लगाते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो भी मिलेगा संविधान से मिलेगा। आप संविधान को पढ़िए। और हमने तो तय कर लिया है कि हम किसी की भी शादी में जाते हैं तो वहां पर हम एक संविधान की किताब लेके जाते हैं और उसको गिफ्ट करते हैं। ये हमारा एक हमने नियम बना लिया है कि मैं जहां भी किसी की शादी में जाता हूं मैं कुछ गिफ्ट दूं ना दूं उनको संविधान जरूर देता हूं कि आप पढ़िए और इससे आपको जो आपका अधिकार है वो मिलेगा। और हम जो हमारे सोशल मूवमेंट के लोग हैं हम उनसे अपील करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया है और बैकडोर एंट्री जिस तरीके से आईएसओ की इन्होंने कर दी है तो हमको अब समय आ गया है। अब हमको निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मांगना चाहिए और हम उसको प्राप्त करना चाहिए। उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जब तक हम निजी क्षेत्र में मीडिया हाउसेज में कॉरपोरेट में जब तक हमको हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमको हमारी लड़ाई शांत नहीं करना चाहिए। और सभी जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारे जो नेता जो पहले ओबीसी एससी और एसटी की जो राजनीति करते थे वो लोग गुमराह हो गए हैं, वो लोग अपनी राजनीति में लग गए हैं। इसलिए अब सब हम जैसे युवाओं का है कि हमको एक मंच पर आके पूरे प्रदेश में पूरे देश में एक यात्रा निकालना चाहिए और एक ऐसा जन समूह आंदोलन करना चाहिए कि जिस तरीके से हम जो छोटी छोटी ताकतों में बने जो बटे हुए हैं हम एक बंद मुट्ठी में एक सब लोग आ जाएं। एक झाड़ू का जैसे रहता है ना एक एक दिन का को जोड़कर जब वो झाड़ू बन जाता है ना तो वो बहुत जल्दी सफाई करता है। तो हम सब सभी नेताओं से हमारे जो यूथ लीडर्स हैं उनसे अपील करता हूं मैं कि सभी लोग आएं और दिल्ली में हम जल्दी से एक मीटिंग रखने वाले हैं उसमें हम सब लोग आकर एक साथ मिलकर अब प्लान तय करें क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है और हमारे जो विरोधी हैं वो ताकतें हमसे ज़्यादा आगे कहीं निकल चुकी हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे और एक साथ आकर एक मंच से आकर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमें नहीं लगता कि हम अपने जो मुकाम है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सामाजिक जागरूकता की बात करो तो पढ़ाई लिखाई और रोजी रोजगार इसको लेकर ओबीसी में कितनी जागरूकता है लोग केंद्र और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में किस तरह की एकता बनती दिख रही है। पहले जो ओबीसी वर्ग था वो गांव में रहता था, खेती किसानी उससे उसको फुर्सती नहीं मिलती थी। लेकिन जब से ये लोगों में थोड़ा पलायन शुरू हुआ है, गांव से लोग शहरों की साइड आना स्टार्ट हुआ है, तब उन्होंने वहाँ पे देखा है कि हम वहाँ पर अपने आप को सर्वोच्च समझते थे लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि हमको भी यहाँ पे वही उसी कैटेगरी में रखा जाता है जिस तरीके से एससी और एसटी को रखा जाता है और जो हमारा हक अधिकार है उस पर तो दूसरे समाज के लोग कब्जा करे बैठे हुए हैं। उन लोगों में जो पढ़े लिखे लोग हैं युवा लोग हैं उनमें ये सोच डेवलप हो रही है कि हमको एकता बनानी चाहिए। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खासकर चंबल संभाग में एकता आपने 2 अप्रैल के बाद देखने को मिली होगी। सभी लोग मध्य प्रदेश और चंबल में जाएं तब आपको मालूम पड़ेगा कि जिस तरीके से 2 अप्रैल की जो घटनाक्रम था उसके बाद 10 अप्रैल को जो भारत बंद था उसमें ओबीसी को एससी एसटी से लड़ाने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन ओबीसी वर्ग इतना जागरूक हो चुका है कि उन्होंने तुरंत इस चीज़ को समझ लिया कि हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं और हमारी फूट का ये फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज ने, गुर्जर समाज ने, जाट समाज ने और किरार समाज ने, यादव समाज ने, सभी ने उस चीज़ का बहिष्कार किया कि हम एससी एसटी के साथ में हैं और ओबीसी एससी एसटी भाई है, हम इस जो आरक्षण खत्म करने को और 2 अप्रैल को जो हमारा जो एट्रोसिटी एक्ट बंद खत्म किया था उसको खत्म करने के लिए हम बिल्कुल सामान्य वर्ग का साथ नहीं देंगे और हमारे यहाँ एकता इस चीज को स्थापित हो गई है। अब हम इसमें एक नई नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।